भैया करण जौहर का बिग बॉस ओटीटी। जी हाँ, ओटीटी 8 अगस्त से होने वाला है शुरू, और इसी के बीच अब धीरे धीरे बैक टू बैक खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी एक ऐसा वर्जन है जिसमें जो तड़का होगा टीवी वाला तड़का से दो गुना ज़्यादा तड़का, दो गुना, तीन गुना, चार गुना लंबा वाला तड़का होने वाला। और साथ ही साथ जो कल जो प्रोमो जारी किया गया था उसमें कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाया गया है कि भैया न्यूडिटी कहीं ना कहीं जो परोसा जाएगा वो एक लेवल से ऊपर होगा, हाई लेवल पर होगा। जिस तरीके से बाहर के आउटसाइड कंट्री में बिग बॉस का शो होता है, कहीं ना कहीं वही चीज़ दिखाया जाएगा। और किसिंग सीन हो सकता है, कई सारे ऐसे सीन होने वाले हैं जो टीवी पर बैन होने वाला था। तो इसका खुलासा खुद जो है सलमान खान ने पहले किया था। और अब इसी के बीच एक ऐसा खबर आ रहा है कि समीता सेट्ठी, जी हाँ, बिग बॉस 2009 में उन्होंने छोड़ दिया था, 2009 में जो शो चल रहा था उसी के बीच में उन्होंने छोड़ा था, अब वो बिग बॉस का ओटीटी वर्जन में ज्वाइन कर सकती है। और किस तरीके से ज्वाइन करेगी ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। पिछले सीजन में बताया गया कि अमीषा पटेल बिग बॉस की मालकिन थी, उससे पहले मल्लिका शेरावत के बारे में चर्चा थी, लेकिन अब इस बार जो है समीता सेट्ठी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, खुलासा किया जा रहा है कि समीता सेट्ठी बिग बॉस की जो ओटीटी मालकिन बन सकती है। हालांकि इसका खबर का अभी तक ऑफिशियली पुष्टि नहीं किया गया, लेकिन आपको बता दें कि जो अमीषा पटेल थी उनका चर्चा हुआ था, और उसके बाद फिर वो 2 करोड़ के चेक के को लेकर कहीं ना कहीं फंस गई थी, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। फिर मल्लिका शेरावत जी थी, वो उनको अप्रोच किया गया, तो कहीं ना कहीं करण जौहर थे, तो करण जौहर को लेकर उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था। और अब समीता सेट्ठी की बातें चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस को ये भी लग रहा है कि अभी राज कुंद्रा वाला जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, टीआरपी बटोर रहा है, तो कहीं ना कहीं समीता सेट्ठी को इसीलिए तो नहीं बिग बॉस में घुसाया जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस मतलब कॉन्ट्रोवर्सी, और जो जो कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है, कॉन्ट्रोवर्सी मुद्दा होता है, कहीं ना कहीं उसी को बिग बॉस में घुसाया जाता है। अब देखना है कि करण जौहर के साथ समीता सेट्ठी किस तरीके से टाइप करती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे टाइप करती है, क्या होती है, मालकिन बनती है या फिर कुछ और उन्हें टास्क दिया जाता है। और वैसे आपको बता दें कि ओटीटी के लिए 5 पुराने चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, उनकी तलाश की जा रही है, और उनका नाम धीरे धीरे खोला जाएगा। लेकिन फाइनली समीता सेट्ठी की जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं अब गर्म हो चुका है। तो देखना है ओटीटी 8 तारीख से क्या क्या हंगामा होने वाला है बूट पर।